अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। रमज़ान मुबारक सबको बहुत। और इस व्लॉग में मैं आपको सिखा रही हूँ रमज़ान ट्रेस, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने कुकीज़ बनाई हैं रमज़ान के लिए और डिफरेंट चीज़ें बनाई थी। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेस रेडी कर रहे हैं। तो आपने कार्डबोर्ड ले लेना, ऐसा कोई अगर आप ट्राई करें कि थोड़ा सा मोटे वाला ले लें, पर मेरे पास इतना थिक वाला नहीं था तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मैं इसकी डबल लेयर्स कर रही हूँ। आपने कोई भी बड़ी सी ट्रे लेके सर्कल में, तो उसके आपने ऐसे हाफ मून बना लेना है। आप पहले ऐसे ट्रेस कर लें इसको, देन इसके बाद आप कट करें तो आपका इजीली कट हो जाएगा। और ये जो मैंने कटिंग इसकी की थी, इसके बाद इसके ऊपर मैं ग्लू के साथ दूसरी जो इसका पार्ट था उसको मैं अटैच करूँगी। ग्लू के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, और उसके बाद ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना इसमें, बस थोड़ा सा पानी ऐड करके तो आपने इसके ऊपर ऐसे रख के इसको प्रेस कर देना। और जब आप सारे अपने कंप्लीट कर लेंगे तो सारों को एक ही आपने लाइन में रख के, तो इनके ऊपर कोई बिल्कुल जैसे टिश्यू का रोल होता है वो रख दें, या कोई ऐसी ग्लास रख दें आप पानी का भरा हुआ, ताकि सारी रात के लिए इसको आपने रखना है ताकि ये ड्राई हो जाएँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये सीरियल बॉक्सेस हैं, इनकी मैंने साइड्स बनानी है उस ट्रे की और उसको सिक्योर करना है, तो उसके लिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली हमारे जो है टर्न हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस का लिया है ये पीस, तो 3 इंचेस की इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3 इंचेस ली है। उसको काट लें आप सारे जितने भी आपको चाहिए, वैसे काफ़ी सारे चाहिए होते हैं तो आप इसके इसी तरह रख के तो ईजिली काट लें, बहुत ईजी वे है। इसको काटने के बाद आपने अपनी जो मून बनाया था हाफ, उसको पहले मेजर कर लें, उसके बाद आपने देखना है कि कितना इसका बन रहा है पूरी, मतलब कितनी बन रही है इसकी जो मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको आपस में जोड़ लेना है। कोई भी आपकी जो स्टिकी टेप होती है उसके साथ आप इसको मिडल में से लगा के तो ईजिली जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी आप गिफ्ट पेपर ले लें, ओकेजन के अकॉर्डिंगली आप ले लें। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये लाइट सा शाइनी ग्रीन कलर है जो मैं ले रही हूँ, और बहुत ही प्यारा ये कलर लग रहा था। तो इसको आपने इसके जो चारों तरफ है रैप कर लेना है अच्छी तरह, और जो लास्ट इसका जहाँ पे रैप करना है वहाँ पे आपने इसी जो टेप है उसके साथ आपने इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेना है ताकि यहाँ से ओपन ना हो, ठीक है। ये आपकी इसी तरह सारी जो कह लें साइड्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगी और बन जाएंगी इजीली। अब हमने जो हमारे मून हमने हाफ बनाए थे उनको हम लोगों ने कवर करना है, तो उसके लिए भी आप ट्रेसिंग कर लें ज़्यादा बेटर है, बहुत इजीली हो जाता है, कट हो जाता है सारा। तो यहाँ पे देखिए मैं हाफ मून जो है मैंने उसको ट्रेस करके तो ईजिली सारे ये पेपर्स जो हैं मैंने इनको कट कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसी के ऊपर ग्लू लगा के तो उसके ऊपर अटैच कर देना है। बहुत इजी वे है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी ट्रे के ऊपर कवर करें, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वो तो नज़र नहीं आनी है ना, तो सिर्फ ऊपर वाली आनी। और इजीली देखें कि अटैच भी ऐसे हो जाता है, इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा इजीली। सो आपने इसको स्टिक करना है इसके ऊपर, और ये तो बस हाफ एन आवर या 1 आवर में ये ड्राई हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको अब हॉट ग्लू के साथ जो इसकी साइड्स हैं उनको कर रही हूँ। वैसे बेस्ट वे है कि आप हॉट ग्लू ही यूज़ करें, दूसरी कोई ग्लू का मुझे आइडिया नहीं है जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा उसमें इसको ड्राई करने में, तो ये जो ग्लू गन है ये बेस्ट है इसके लिए। सो आपने इसकी जो एजेस हैं वहाँ पे ग्लू गन के साथ थोड़ी थोड़ी लगा के तो फिर आपने इसको उसके साथ अटैच करते रहना है, क्योंकि अगर आप सारी उसके ऊपर लगा देंगे एक ही बारी में ग्लू गन के साथ ग्लू, तो वो फ़ौरन ड्राई हो जाएगी। आपको पता है कि जो ग्लू गन की ग्लू है वो जल्दी ड्राई हो जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अटैच इट इन विद द मून। सो यहाँ पे आप इसको अटैच कर रहे हैं और बहुत आसानी से ये बन जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन बहुत आसानी से ये बन गया था, बहुत ज़्यादा इस पर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और ये ट्रेस इतनी नाइस लग रही थी कि एक आइडिया आपको मिल जाता है डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। आप ईद पे भी इनको बना सकते हैं, इवन कि आप रमज़ान में अपने घर में ये बना के रख सकते हैं, और इसमें डिफरेंट जो ट्रीट्स हैं आपकी ईद की या फिर रमज़ान की खजूरें वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। लास्ट में आप देखेंगे इतनी ज़बरदस्त ये ट्रेस लग रही थी। तो यहाँ पर ये कम्प्लीट होगी, इसकी साइड्स भी आपने सिक्योर कर लेनी है, और हमारी ट्रेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और पैक भी हो चुकी हैं। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट बिलो, एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें और सब एक दूसरे के लिए दुआ करें इस मुबारक महीने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं न्यू किसी चीज़ के साथ मिलूँगी। टिल देन यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।